आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और अघोषित कटौती से लोग परेशान। युवा कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला कटनी ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में पिछले एक महीने से लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और अघोषित कटौती होने से लोग गर्मी के बढ़ते तापमान से बहुत परेशान हो रहे हैं। वह लो वोल्टेज होने के कारण नलजल के पंप भी लोड न मिलने से पानी की सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण धूप में हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर है। किसानों को सिंचाई के लिए दिन रात जागकर लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है, पर लाइट की अघोषित कटौती और लो वोल्टेज होने से किसान अत्यधिक परेशान है। लाइट की अपर रीडर ट्रिपिंग के कारण उपकरण भी जल रहे हैं। लो वोल्टेज होने के कारण किसानों के पंप भी लोड नहीं उठा पा रहे हैं। दिन रात में तकरीबन 25 से अधिक बार ट्रिपिंग होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को अधिक परेशानी हो रही है। क्षेत्रवासी लगभग 43 डिग्री के तापमान में पूरी दोपहर गर्मी से परेशान रहते हैं। युवा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसान विरोधी सरकार द्वारा अघोषित बिजली कटौती, जिले ट्रांसफर को बदलने, मुड़वारी सब स्टेशन को प्रारंभ करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ढीमरखेड़ा का घेराव किया गया। एक ज्ञापन सौंप कर लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग की अघोषित कटौती को बंद करने की मांग की है। बरवारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों एवं घरेलू विद्युत समस्याओं का समाधान 3 दिवस में नहीं हुआ तो सरकार के विरोध में उग्र आंदोलन करने में विवश होना पड़ेगा, जिसमें विकास निगम बरवारा, डॉक्टर शर्मा, रवि अवस्थी, राम खिलावन मिश्रा, सुरेश सोनी, विकास जैन, आनंद मिश्रा, राजेश पटेल, अन्य लोग उपस्थित रहे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।